जय हिंद। आप देख रहे हैं द कैनी न्यूज़। आज के इस वीडियो में मालगोदाम श्रमिक बंधु के ऊपर चर्चा करेंगे। मालगोदाम श्रमिक संघ के महामंत्री और राष्ट्रीय प्रभारी का दो वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और आपने भी वो दोनों वीडियो अवश्य देख लिया होगा। तो आज के इस वीडियो में उन्हीं दोनों वीडियो का विश्लेषण करेंगे और साथ ही साथ उससे संबंधित जितना भी सवाल है उसका जवाब आपको बिल्कुल सटीक मिलने वाला है। तो वीडियो पूरा देखिएगा और सभी मित्रों के बीच शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, गत दिनों नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के महाप्रबंधक के साथ वहां के जोनल टीम अर्थात भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ का जोनल टीम, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग में भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ के महामंत्री एवं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी दोनों ने भाग लिया था। उसके उपरांत दोनों लोगों ने मीडिया के समक्ष उपस्थित होकर बाइट दिया था। जो दोनों लोगों का बाइट सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। श्रमिक बंधु इस वीडियो को देख के फूले ना समा रहे हैं, खुशी का ठिकाना नहीं है और वो फिर से एक बार ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग का नारे लगा रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। उनके जो ये हर्षोल्लास है वो कितना जायज़ है और क्या वास्तव में इस हम लोगों ने दिया है मेमोरेंडम में दिया है कि जो भारत सरकार से अभी तक जो हमारे प्राप्त हुआ है वो अभी तक धरातल पर लागू नहीं हुआ है। तो हम लोगों ने माननीय महाप्रबंधक से यह निवेदन किया है कि जो डिमांड हम लोग को 28 अक्टूबर 2003 को कई बैठक में हमारी जो डिमांड मिला है उसका विलंब धरातल पर लागू किया जाए। इन्होंने आश्वासन दिया, मैं इनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। इन्होंने भी आश्वासन दिया है कि ऐसा होना चाहिए और उन्होंने स्वेच्छा से लग गए हैं। अक्टूबर तक कहें कि सारा डिमांड को हम लोग लागू करेंगे। आप लोग ने कहा कि परमानेंट के बारे में समस्या जो है वो चल रहा है और बहुत हद तक हम लोगों ने उस पर विजय हासिल किया है। अब थोड़ा सा है कि अभी आपके राष्ट्रीय प्रभारी हमारा ने बोला कि इसके लिए चल रहा है बेजिज, तो पहले बेजिज तैयार हो जाएगा उसके बाद उसका हो जाएगा, यही चल रहा है। और बाकी सब तो अभी 25 तारीख हुई बैठक है, आगामी बैठक होने जा रहा है। अभी तक तो और भी बहुत सारे काम हो जाता है, लेकिन जो अभी एक्सीडेंट हो गया रेल में तो हमारा 3-4 बैठक कैंसिल हो गया। अब सरकार अपने उसमें व्यस्त हो गई है, इसलिए अभी और कुछ हम विजय हासिल करके ला करके महाप्रबंधक को देते, लेकिन हमारी बैठक रद्द हो गई। अब इसके लिए 25 तारीख को बैठक करने का बात चल रही है और इनको लेटर आया है प्रभारी को, 25 तारीख को बाद जो होगा फिर आपको अवगत करा दिया जाएगा। धन्यवाद। पूरे हिंदुस्तान में भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ का जो कार्यकर्ता है, हमारा जो मेंबर है, वह लगभग 6,85,000 पूरे हिंदुस्तान में। हम लोगों ने मान रखा है क्या उन्हें रिक्वेस्ट क्या करना है, जो हमको डिमांड मिला हुआ है लेके आए हैं, भारत सरकार हमको दिया है, जो हम लोग 98 से लड़ाई लड़ा भारत सरकार से, वो जो सरकार हमको दिया है उसको धरातल पर लागू करने के लिए हमने लेटर दिया है उनको कि यह ए लेटर या जो मिला है यह आपके सामने रखा गया है, इसको आप लागू कर दीजिए। उन्होंने भरोसा ही नहीं, यकीन दिलाया है कि आप चिंता मत कीजिए, हम जो आप सर्वे करा करके सर्वे पूरे हिंदुस्तान में हुआ, NFR रेलवे का भी हुआ, तो वो कॉपी दिया गया इनको कि किन मालगोदाम में क्या समस्या है, किस लेबर के साथ क्या समस्या है, वो सारा डॉक्यूमेंट उनके पास जमा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आपने बहुत बड़ा मदद किया हमको, लेकिन फिर भी हम करा करके इसको कराएंगे। अक्टूबर तक के उन्होंने कहा कि आपको ये काम हम सब ज़मीन पर लागू कर देंगे। हमारे प्रभारी ने कहा कि जब लागू हो जाएगा तो हम आपको आकर के धन्यवाद करेंगे, आपको ले जाकर गोदाम पर भी लेबरों के साथ आपको सम्मानित करेंगे। यही सब बात हुई, धन्यवाद। तो आप लोगों ने महामंत्री का ये वक्तव्य एक बार फिर से सुना और देखा। देखिए, इसमें दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है जो महामंत्री ने बोला है। उन्होंने बोला कि हम ये लड़ाई 1998 से लड़ रहे हैं और 2003 का हमारा भारत सरकार से जो वार्ता उसको इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं किया गया, उसके बाद ये लगभग 18 से 20 साल के दरमियान, 3 से अगर 23 देखिएगा तो 20 साल के दरमियान हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें डिमांड किया भारत सरकार से, भारत सरकार ने माना, उसको भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। और इनका जो मुख्य डिमांड था भारत सरकार से, जो इनके साइट पे और इनके बारे में जो बढ़िया से जानकारी लीजिएगा तो पता चलेगा कि ये लोग मेनली
माल गोदाम शेड में बिजली की प्रॉपर व्यवस्था, पीने के लिए शुद्ध जल की प्रॉपर व्यवस्था और साथ ही साथ शेड के आसपास ही कहीं एक आधुनिक रूप से जिसमें पानी, बिजली और सब कुछ, लैट्रिन बाथरूम की सुविधा के साथ आराम करने का एक जगह, और कार्य के दौरान यदि कोई कर्मचारी घायल चोटिल हो जाता है तो उसको मेडिसिन की प्रॉपर व्यवस्था, ये सब छोटी मोटी जो बेसिक नीड होती है वो इन्होंने लड़के आज तक लिया है। और भारत सरकार ने इस पे एग्री भी किया है कि हम ये सब आपको जो बेसिक नीड है ये आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये इम्प्लीमेंट की बात इन्होंने महाप्रबंधक महोदय से किया है, संभवतः ये हो जाएगा और ये होना चाहिए, बहुत ही आवश्यक है। यदि दिन भर कोई मजदूरी करता है, मेहनत करता है, तो उसको बिजली भी चाहिए, हवा, ठंडा हवा भी चाहिए, शुद्ध पानी भी चाहिए और आराम करने का एक जगह भी चाहिए। यदि चोटिल हो जाता है तो उसको मेडिसिन फैसिलिटी भी मिलना चाहिए, तो ये सब बिल्कुल मिलना चाहिए। तो इस पर चर्चा है। और परमानेंट वाले बात में ये टाल गए कि वेजेस की बात चल रही है, वेजेस वगैरह पूरा हो जाएगा उसके बाद परमानेंट के बारे में। तो कहने का मतलब कुल मिला के बढ़िया से देखिएगा तो टाल मटोल के जवाब दे रहे हैं। खैर, हम अभी आपको तेज तर्रार आपके नेता मीडिया प्रभारी का भी वक्तव्य सुनाते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे GM के साथ हमारी बैठक थी, हमारे प्रतिनिधिमंडल का, रेलवे बोर्ड के तरफ से हमारा जो लगातार चेयरमैन रेलवे बोर्ड के साथ बैठक हुआ था, 28 मार्च को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के साथ बैठक हुआ था, तो NFR के अंतर्गत जितने गुडसेट हैं उन गुडसेट को नए तरीके से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को सभी सुविधाएं जो हमारा त्रिपक्षीय बैठक में मिला था वो सारी सुविधाएं इशू करने के लिए रेल मंत्रालय की तरफ से सभी देश के जोनल को सूचित किया गया है कि अविलंब इन सभी लोगों का डिमांड जो था उसको पूरा किया जाए। और सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए लगभग 12,000 करोड़ रुपया भी रेलवे गुडसेट वर्कर के सभी सुविधाओं को लागू करने के लिए जारी किए। आज हम NFR जोनल के जनरल मैनेजर चेतन कुमार श्रीवास्तव जी से हमारी प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई और उन्होंने कहा कि मैं तुरंत, हमने पूरे NFR जोन के माल गोदाम कहाँ कहाँ किस किस गुडसेट में क्या क्या समस्याएँ हैं, किन किन समस्याओं को दूर करने से रेलवे को बहुत ज़्यादा लाभ होगा और मजदूरों को बेहतर भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है, हमने उसका रिपोर्ट उनको जमा किया है। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए एक टीम बना कर करके मैं दो तीन दिन के भीतर ही इस पर काम प्रक्रिया शुरू कर दूंगा। हमारे जोनल स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो लगातार महाप्रबंधक महोदय से, मंडल रेल प्रबंधक महोदय से लगातार उनके साथ बैठक करके चर्चा कर करके और इन कामों को अविलंब लागू करने का काम करेंगे। इन्होंने भरोसा दिलाया है कि मैं अक्टूबर माह तक ये NFR जोन के अंतर्गत जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, गुडसेट के रेलवे वर्कर को सभी सुविधाएं देना है, मैं अक्टूबर महीने तक इन माल गोदाम के श्रमिकों को सब कुछ देने का काम करूँगा। रेगुलेशन को लेकर करके अभी हमारा पॉलिसी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और रेल मंत्री जी के साथ हमारी चल रही है। पॉलिसी में अभी हमारा जो है, जिस तरह से कूली को जो हर जगह वेजेस तैयार किया गया है उस पॉलिसी पर काम चल रहा है। इसका सबसे पहले वेजेस तैयार किया जा रहा है और वेजेस तैयार करने के माध्यम से इसकी एक रेलवे बोर्ड के तरफ से कमेटी गठन किया जा रहा है कि अब जो कंसाइनर मालवाहक है जब वो माल बुकिंग करे तो लोडिंग अनलोडिंग का पैसा भी वहाँ बुकिंग होगा और जो मजदूर हमारा जो वेजेस तय होगा सीधा इनके खाते तक पहुँचने काम होगा, जिससे ये ठेकेदार के शोषण से जो लगातार पीड़ित हैं, जिस कारण से इनको कई समस्याओं को झेलना पड़ता है, वो सारी समस्याएं दूर होने का काम होगा। इस दिशा में सरकार के साथ बहुत ही सकारात्मक बातचीत चल रही है। आने वाले 24-25 के डेट के अनुसार हमारा CRB से इस बैठक के लेके फिर पुनः एक बैठक है और बैठक करने के बाद वहाँ से वो पॉलिसी जैसे पास होता है तो पुनः हम सभी देश के महारेल प्रबंधक के साथ बैठक करके उसको लागू कराने का काम करें। थैंक यू। तो एक बार फिर आपने अपने तेज तर्रार मीडिया प्रभारी का वक्तव्य सुना, जिसमें बहुत ही तेज़ी के साथ वो जवाब दे रहे थे और वो बता रहे थे कि हमने आज तक क्या क्या किया, कितने संघर्ष किए, कितने मीटिंगें कर डाली और कितने बैठकें कर डाली और क्या क्या श्रमिक को के लिए मैंने किया, वो सब आपने सुना। उस पर ज़्यादा जोर मैं नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन दो चीज़ इसमें भी है जिस पर मैं जोर देना चाहता हूँ। एक,
सरकार गुड सेट के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च दिल खोल करके कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाना और सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा माल ढुलाई हो सके, शेडो का विस्तार करना, चौड़ीकरण करना, आधुनिकरण करना, हर मुद्दे पे वो कार्य कर रही है सरकार। और सरकार के इस कार्य को मैं काफ़ी अप्रिसिएट करता हूँ, दिल से सैल्यूट करता हूँ। और यही वजह है कि आपके मीडिया प्रभारी ने बोला था कि 12,000 करोड़ और न जाने कितना हज़ार करोड़, वास्तव में इस पर बहुत बड़ी बजट सरकार तैयार खर्च करने को तैयार है और इस पर काफ़ी तेज़ी से काम भी चल रहा है। लेकिन हमारा कहना ये है कि गुड सेट बहुत वीआईपी बढ़िया हो जाए तो उससे आपको बेनिफिट, हाँ ये ज़रूर होगा कि आपका मनोबल बहुत हाई होगा, आपका जो इच्छा शक्ति और मेंटली आप प्रिपेयर्ड होंगे कि हम इतने बड़े गुड सेट में काम करने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको भी सारी आधुनिक सुविधाएँ मिल जाएँ तो आपके लिए और सोने पर सुहागा वाली कहावत हो जाएगी, तो खैर अच्छी बात है। दूसरा, इन्होंने जो परमानेंट के मुद्दे पे बात करी उसमें फिर एक बार ये वैसे ही टाल मटोल किए वेजेज कि हम लोगों की एक कमेटी बनी है, वेजेज हम लोग निर्धारित करने वाले हैं, कूली के तर्ज पे वेजेज निर्धारित होगा, उसके बाद जो है हमारे श्रमिक बंधुओं का शोषण मुक्त हो जाएगा, डायरेक्ट उनके खाते में पैसे जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसमें एक पॉजिटिव सबसे अच्छी बात यह है कि वास्तव में यदि आपका वेजेज तैयार हो जाता है और ये बार्गेन करके हाई वेजेज आपका रेट फिक्स करने में कामयाब हो जाते हैं और वो पैसा डायरेक्ट आपके खाते में जाता है तो बहुत ही बेनिफिट होगा, वास्तव में बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि वास्तव में आप शोषण मुक्त हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार के शोषण से मुक्त हो जाएंगे। आप जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितना ज़्यादा आप माल ढुलाई का काम करेंगे, उतना ज़्यादा आपके खाते में चला जाएगा वेजेज अगर ये फिक्स करवा पाते हैं तो, जैसा कि इन्होंने दावा किया है। लेकिन वेजेस तैयार हो जाएगा, आपके खाते में जितना काम कीजिएगा उतना जाएगा, इससे परमानेंट का कोई लेना देना नहीं है। परमानेंट वाले मुद्दे पे जो बार बार ये वेजेस करके टाल देते हैं, ये हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। इनको मीडिया के समक्ष खोल के कहना चाहिए कि परमानेंट का कोई एजेंडा ही हमारे खाते में नहीं है, हम सिर्फ श्रमिकों के कल्याण के लिए लड़ रहे हैं, श्रमिकों के बेनिफिट के लिए लड़ रहे हैं। तो वास्तव में इनका काम बहुत ही सराहनीय है। मैं इनके कामों का निंदा इसलिए करता हूं क्योंकि ओपनली ये कभी नहीं बोलते हैं कि हम अपने श्रमिकों के बेनिफिट के लिए और उनको शोषण मुक्त बनाने के लिए, उनकी फैसिलिटी के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि ये हिडन रूप से ज्वाइनिंग परमानेंट टाइप का प्रचार करवा के, और जो जितने भी बंधु हैं वो लोग इनके झांसे में आते हैं और जगह जगह से जब मैसेज आता है और जब हम ये न्यूज़ में पढ़ते हैं या देखते हैं या कानों को सुनने को मिलता है कि श्रमिक संघ या फिर और भी कई आजकल तो यूनियन वाले हो गए हैं, कुल मिला के मालगोदाम में जॉब पाने के लिए अभ्यर्थियों ने इतना पैसा दे दिया, इतना साल से वेट कर रहे हैं, परमानेंट नहीं हो रहा है, तो थोड़ा दुख होता है। तभी मैं इस मुद्दे पर बोलता हूँ, ये खुल के जिस दिन बोल देंगे कि हम सिर्फ वेजेस के लिए लड़ रहे हैं, फैसिलिटी के लिए लड़ रहे हैं, परमानेंट के लिए नहीं लड़ रहे हैं, तो मैं इनका अप्रिसिएट करूँगा, उसी दिन से इनके पक्ष में वीडियो बनाना शुरू कर दूँगा। वैसे भी जो अच्छा काम होता है उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ, जैसे इनके वेजेस वाली बात पे मैं समर्थन करता हूँ कि अच्छा कार्य है, हो जाता है तो श्रमिकों को ज़रूर फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन परमानेंट नहीं होगा। बंधु फिर आप कमेंट करके ये मत पूछ लेना कि ज्वाइनिंग कब होगी, परमानेंट कब होगा, क्योंकि ना ज्वाइनिंग होगी ना परमानेंट होगा इसके द्वारा। हाँ, आपको फैसिलिटी ज़रूर मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।